अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैं हूं इस्लामाबाद में और एक शूट के सिलसिले में आए हुए थे हम। आज कोई आठ दिन हो गए हैं हमाद भाई। जी आठ दिन हो गए। आठ दिन हो गए हैं। मेरे साथ एक और स्टार है हमारे बैठे हुए, कैमरा उनके हाथ में, उनसे भी मुलाकात करवाता हूँ। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, बड़े अच्छे, आपके बड़े पसंदीदा एक्टर हैं, उनका एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने आज हमारा जो है वो डिनर किया है, रात का खाना। 8 बजे पहुँचना था और हम 8:10 हुए हैं और उनके बिल्कुल पास हैं। तस्वीरें मैंने देखी, बड़ी ज़बरदस्त जगह लगी मुझे। और फिर जेबी भाई ने, जिब्रान भाई ने बुलाया और जाना तो था, और आज गैप भी था, सो के उठे हैं, आवाज़ से आपको लग रहा होगा। तो अभी हम जा रहे हैं जी, और वहाँ मैं आपको विजिट भी करवाऊँगा, उनका रेस्टोरेंट दिखाऊँगा और फूड में क्या क्या है, और खा के भी बताऊँगा कि अच्छा है कि नहीं है। फिर मैं आपको बताऊँगा जो इस्लामाबाद और पिंडी के गिर्दो नवा में रहते हैं नज़दीक तरीन, तो वो ज़रूर आएंगे। ले जी, हम आ गए जी। 1969 नाम, अब आप बताओ जी क्यों रखा होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों रखा है। मुझे लगता है इनकी डेट ऑफ बर्थ है, क्या ख्याल है? हो सकता है, बिल्कुल है, ये पूछना पड़ेगा अभी। लेकिन बताएं कि नहीं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, पर कहेंगे नहीं मैं तो 85 में पैदा हुआ हूँ। अच्छा जी, ये माशाल्लाह देखें जी, बड़ी पार्किंग भी है और पीछे ग्राउंड भी है और बड़ा जबरदस्त एक सिलसिला है। रैम्बो भाई पहुंच गए हैं। हाँ जी पहुंच गया हूँ जी सर यहाँ। और अब आपके इस्तकबाल में बहुत सारे लोग खड़े हैं माशाल्लाह। किस चक्कर में इन्होंने? अस्सलाम वालेकुम। और जिब्रान भाई क्या हाल है? हाँ ठीक ठाक। कैसे हैं जिब्रान भाई? के रेस्टोरेंट आ गए हम। थैंक यू सो मच, इज्जत दी आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त जगह है आपका सर। गरीब बस तो नहीं, ऐसे गरीब 4-5 और होने चाहिए। गरीब खाना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे आप? शादी भी यहाँ चलता रहता है सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा ये इवेंट चल रहा है, ये कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। ये कब से है? ये 2008 से है। मैं और मेरे बड़े भाई, मेरे पार्टनर, मेरे दोस्त बिलाल हसन अवान, उनकी सारी कोशिश है, वो यहाँ होते हैं, वो इसको चलाते हैं। अच्छा, आपने पाकिस्तानी एक्टर्स की तस्वीरें भी लगाई सर? ये 1969 है, जो 60s में पाकिस्तान था, ये वो है। आए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है? नहीं, इतना बड़ा नाम मैंने क्या कहा था। क्या बात है संतोष साहब, सबिया जी, हमारे सहेल राणा, इतने बड़े आप आए हैं, आपको अंदर और मजा है, बहुत कुछ है। ये भी है, हाँ जी, खास बात है सारे 60s के 10 सालों के जो खास लोग थे, लोग थे ये, वो है यहाँ सब 60s के 10 साल। उस वक्त की फिल्मों के पोस्टर सब कुछ, वो पॉलिटिकल और प्रोग्रेसिव जो होता था 60s में पाकिस्तान में, और ये सारा लोग है 60s के अखबार की कटिंग जिनमें ये आप देख सकते हैं, ओरिजिनल 60s के अखबार की कटिंग्स हैं जो हमने यूज की हैं इस टेबल में। वाह, टेबल मैट बनाए हुए हैं पूरा, ये 60s का 10 साल का है ये सारे जी। ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, क्या बात है। अरे वाह, रास्ते में मैंने डिटेल बताई है, खाने का मैंने उनसे कहा कि खा के बताऊंगा। खुद बताएगा सर, खाने के लिए वो तो मैं कहूँगा। ये देखते हैं ये पहले इधर आ,
इस वक्त हमारी हॉकी अरूज पे थी, ग्रेट पीपल हमारा वो भी तो स्लोगन भी है, जैकलिन कैनेडी पाकिस्तान में ऊंट पे सफर करते हैं, वो एक कराची में जी कैनेडी की बीवी, आप देखें ये लेवल का पार्टी ये है और हमने उसे कहां पहुंचा दिया, क्वीन एलिजाबेथ विद प्रेसिडेंट आर यू ऑन विक्टोरिया रोड कराची जी, ओए होए 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 होए, मैं हैरान होता हूं यार ये हमारा मुल्क था यार ऐसा, ये था ये था जब क्वीन एलिजाबेथ पता नहीं कौन ऐसे फिरते थे जैसे, सो दिस इज द स्पोर्ट्स एंड वो गुम हो जाते हैं आप ये ओए हसन शी वाज बोर्न इन 1965 या संतोष साहब के कितने प्यारे इंट्रोड्यूस इन 1962 और रानी दैट्स द हिस्ट्री दैट्स वेरी सॉ बेग साहब मुजफ्फर गरीब एजाज साहब और मैडम फिरदौस, एक एक तस्वीर नहीं है, वैसे तो मेरी सासू माँ की तस्वीर क्यों नहीं है बताएं, असल में बहुत कुछ नहीं है अभी, निशु की तस्वीर क्यों नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ बहुत कुछ नहीं है जितनी जगह थी उस जो मैंने एक और बनाए बॉल और अभी तो ये आप उनसे रिक्वेस्ट करें ना बना के फिर लगा दें आपने बोल के आपको देखें वो भी क्या बन लेकिन वो 72 में आए ये क्या है सर, स्पेशल मटन रिब्स है 1969 स्पेशल मटन रिब्स आएंगे जी, अभी ये स्टार्टर है या सारा खाना आ रहा है, सारा मैंने कहा बारबेक्यू और उसके बाद मेन कोर्स साथ साथ मेन कोर्स ये आ रहा है जी, लाओ यार जल्दी से दिखा दो यार वो चिकन के पहले ये क्या ओहो चिकन के तुर्की कबाब वेरी गुड, आगे क्या है लाओ, मैंने कहा मैं खाने के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे किसी को ये कहना नहीं पड़ता कि आप एक बार ट्राई करें, क्योंकि मुझे पता है वो एक बार खाते हैं फिर वो खुद आते हैं दोबारा बार बार आते हैं, लग रहा था मसाला बहुत ज़्यादा है लेकिन बड़ा मज़ेदार मसाला है, हर्ब्स लग रहे हैं मुझे इसमें है ना कुछ बिल्कुल बराबर, हाँ खाना हमने खा लिया और ये जलेबी आई है, इतनी पतली जलेबी मैंने कभी नहीं देखी और इतनी खस्ता है, और ये एक केक है कोई 3 मिल्क केक जर्मन चीज़ मिल्क वनीला केक, जर्मन चीज़ मिल्क वनीला, ये कोई बड़ा खास इनका मीठा है, आपको बताऊं खाने का मुझे बड़ा मज़ा आया है और अब जलेबी का उससे ज़्यादा, और इतनी पतली जलेबी मैंने पहली दफ़ा देखी है ना, कोई खाना सीने पे नहीं बैठेगा, नहीं बैठा सीधी उसकी खुशबू दिमाग में गई है अच्छा जी अब मैं अब मैं कहने वाला बन गया हूँ कि जी आप यहाँ आके खाना खा सकते हैं, और ये मैं दिल से कह रहा हूँ सच्ची बात, या फिर ये जलेबी एक ग्राटो की जलेबी यहाँ जो है पिंडी वाली वो मशहूर है, हमने बचपन से वही खाई है, उसके बाद ये अच्छी लगी है, और मैं पिंडी आऊँ तो वो भी ज़रूर खाता हूँ, मैं साल 2 साल बाद एक पान खाता हूँ, शादियाँ नहीं होना चाहिए और सारा मीठा हो, ये पहले आग वाला बना रहे हैं, पहले आग वाला नहीं मैं आग वाला नहीं खाऊंगा, अच्छा होता
ये दोस्तों ये एक आग वाला पान हमारा स्पेशल, ये अभी हमारे एक स्टंट मैन हमने बुलाए हैं हसन शाह साहब, ये खाएंगे आग वाला, ये खाएंगे आग वाला पान। ऊपर कर ले, ऊपर कर ले, वो जल जाएगी, रोकते जाओ नहीं। बहादुर आदमी बहादुर पान खाने वाला है, चला ये है आग वाला पान। सबसे पहले आपने घबराना नहीं, क्या है ये एक साथ ये मीठा ये कितने चालिया कत्ता वत्ता तो थोड़ा सा डाल देते हम खा गए। ये देखें जी, लग रहा है कि हम मरी आ गए। ये चीड़ के दरख्त है और ये बड़ा हॉल है, यहाँ शादी ओपन होती है, कैनोपी नहीं लगाते, कैनोपीज़ भी लगाते, कैनोपीज़ भी सर्दियों में, सर्दियों में। ओके ओके, ऊपर से ओपन शादियाँ भी होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कहते हैं हमें कैनोपीज़ लगा दें, हमने डेकोर करना है। मजा आया बड़ा, खाना वाकई बहुत अच्छा था, आप सच्ची बात बता रहा हूँ, खाना बहुत है, खाना बहुत अच्छा था, और मिस ना करें, जिसने भी आना है वो आए, जो बैठने का मजा एटमॉस्फेयर है ना उसका, तो उसके पैसे ही नहीं। थैंक यू। 1969 बैलेंस टेस्ट, सबसे अच्छी बात कि बैलेंस टेस्ट, ना ज़्यादा मसाला ना ज़्यादा तीखा, बिल्कुल एक्यूरेट, ना सीने पे बैठेगा ना पेट में मसाला करेगा। मैं कसम खुदा की मैंने इनको नहीं कोई पैसे लगाए कि ये बातें करें जो कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, मैंने कसम खाई है इस बात पर। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने बुलाया और बड़ा मजा आया।